मेष राशि वाली जो हमारी महिला दर्शक है, अविवाहित जो कन्याएं हैं, सुहागिन महिलाएं हैं, आज माँ गौरी का अभिषेक गौ माता के कच्चे दूध में शहद मिलाकर कीजिएगा। लाल रंग की बिंदिया चंदन पुष्प माँ गौरी को अर्पण कीजिएगा। ओम मधुमते नमः, ओम मधुमते नमः, इस मंत्र का माँ गौरी के समक्ष बैठकर 108 बार जाप कीजिएगा। निश्चित तौर पर सुयोग्य जीवन साथी और पूर्ण दाम्पत्य सुख प्राप्त होगा। बात करते हैं वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं। वृषभ राशि वाली जो अविवाहित कन्याएं हैं, सुहागिन महिलाएं, आज माँ गौरी का अभिषेक दही से कीजिएगा। सफेद मोगरे के पुष्प का गजरा, चांदी की बिछिया माँ गौरी को अर्पण कीजिएगा। ओम गिरिजाय नमः, ओम गिरिजाय नमः, ओम गिरिजाय नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप माँ गौरी के समक्ष बैठकर कीजिएगा। सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति होगी, पूर्ण दाम्पत्य सुख प्राप्त होगा। बात करते हैं मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं। मिथुन राशि वाली जो अविवाहित कन्याएं हैं, सुहागिन महिलाएं हैं, आज माँ गौरी का अभिषेक गन्ने के रस से कीजिएगा। गुलाब के पुष्पों की माला, मेहंदी, हले रंग की लिपस्टिक माता रानी को अर्पण कीजिएगा। ओम कामाक्षे नमः, ओम कामाक्षे नमः, ओम कामाक्षे नमः, इस मंत्र का 108 बार बैठकर जाप कीजिएगा। सुयोग्य जीवन साथी और पूर्ण दाम्पत्य सुख प्राप्त होगा। कर्क राशि वाली जितनी भी अविवाहित कन्याएं और सुहागिन महिलाएं हैं, उनको आज माँ गौरी का शिव मंदिर में चले जाइएगा। शिवलिंग के साथ में माँ गौरी की प्रतिमा होती है, वहां जाकर माँ गौरी का अभिषेक दूध में शक्कर मिलाकर यानी मीठे दूध से आज माँ गौरी का आपको अभिषेक करना है। ऐसा कंफ्यूज मत होइएगा कि माँ गौरी की प्रतिमा कहाँ से लाए। शिव मंदिर में जाइएगा, वहां निश्चित तौर पर शिवलिंग के साथ में माँ गौरी की प्रतिमा होगी, उनका अभिषेक आज सभी राशि वाले दर्शकों को करना है। मोगरे के पुष्पों की माला, माता रानी के चरणों के लिए चांदी की छोटी सी पायजेब आज आपको माँ गौरी को अर्पण करनी है। ओम कांताय नमः, ओम कांताय नमः, ओम कांताय नमः, इस मंत्र का जाप आपको करना है। सुयोग्य जीवन साथी और पूर्ण दाम्पत्य सुख प्राप्त होगा। सावन के आज ही मंगलवार नहीं, सावन के जितने मंगलवार आएंगे, आप सभी दर्शकों को, महिला दर्शकों को सावन के सारे मंगलवार का माँ मंगला गौरी का व्रत रखना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आज ही, हर मंगलवार को माँ मंगला गौरी का व्रत किया जाएगा पूरे सावन में। बात करते हैं सिंह राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं। सिंह राशि वाले जो अविवाहित कन्याएं हैं, सुहागिन महिलाएं हैं, आज माँ गौरी का अभिषेक आपको मधु अर्थात शहद अथवा गुड़ युक्त जल से आपको माँ गौरी का अभिषेक करना है। कमल का पुष्प अर्पण करना है, लाल चंदन अर्पण करना है, गोल्डन रंग की बिंदिया अर्पण करनी है। ओम मदन सुंदरी नमः, ओम मदन सुंदरी नमः, ओम मदन सुंदरी नमः, इस मंत्र का जाप करना 108 बार माँ गौरी के समक्ष बैठकर। निश्चित तौर पर सुयोग्य जीवन साथी और पूर्ण दाम्पत्य सुख प्राप्त होगा। बात करते हैं कन्या राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं। कन्या राशि वाली अविवाहित कन्याएं जो है, सुहागिन महिलाएं जो है, आज माँ गौरी का अभिषेक आंवले के रस से संभव हो तो कीजिएगा। शमीपत अर्पण कीजिएगा, हरी ओढ़नी माँ को अर्पण कीजिएगा। ओम मालिन्ये नमः, ओम मालिन्ये नमः, ओम मालिन्ये नमः, इस मंत्र का 108 बार बैठकर जाप कीजिएगा। सुयोग्य जीवन साथी और पूर्ण दाम्पत्य सुख प्राप्त होगा। राशि वाली जितनी भी अविवाहित कन्याएं हैं, सुहागिन महिलाएं हैं, आज माँ गौरी का अभिषेक अंगूर के रस से या मिश्री मिले दूध से कीजिएगा। अगर अंगूर का रस मिल जाए तो उससे माँ गौरी का अभिषेक कीजिएगा, या मिश्री मिले दूध से कीजिएगा। मोगरे के पुष्पों से बना गजरा, चांदी का नाक का काटा, चांदी का बना हुआ नाक का काटा और मोगरे के पुष्पों से बना गजरा आज माँ गौरी को अर्पण कीजिएगा। ओम त्रिशक्तेय नमः, ओम त्रिशक्तेय नमः, ओम त्रिशक्तेय नमः, इस मंत्र का जाप माँ गौरी के समक्ष बैठकर 108 बार कीजिएगा। सुयोग्य जीवन साथी तो प्राप्त होगा ही, पूर्ण दाम्पत्य सुख भी प्राप्त होगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले जो हमारी महिला दर्शक है। वृश्चिक राशि वाली जितनी भी अविवाहित कन्याएं हैं, सुहागिन महिलाएं हैं, आज माँ गौरी का अभिषेक अनार के रस से आपको करना है। किससे करना है? अनार के रस से माँ गौरी का अभिषेक करना है। लाल फूल, लाल चंदन, लाल चुनरी माँ गौरी को आज आपको अर्पण करनी है। ओम महासिद्धे नमः, ओम महासिद्धे नमः, ओम महासिद्धे नमः, इस मंत्र का जाप 108 बार बैठकर माँ गौरी के समक्ष आपको आज करना है। निश्चित तौर पर सुयोग्य जीवन साथी प्राप्त होगा, पूर्ण दाम्पत्य सुख प्राप्त होगा। बात करते हैं धनु राशि वाले जो हमारे महिला दर्शक हैं। धनु राशि वाली जितनी भी अविवाहित कन्याएं हैं, सुहागिन महिलाएं हैं,
आज माँ गौरी का अभिषेक दूध में हल्दी मिलाकर अथवा पीला चंदन मिलाकर, दूध में, कच्चे दूध में हल्दी मिलाकर अथवा पीला चंदन या केसर भी मिला सकते हैं, और फिर माँ गौरी का अभिषेक कीजिएगा, पीले पुष्प अर्पण कीजिएगा, पीली बिंदिया अर्पण कीजिएगा, पीली चुनरी माँ गौरी को आज अर्पण कीजिएगा। ओम अंबिकाय नमः, ओम अंबिकाय नमः, ओम अंबिकाय नमः, इस मंत्र का जाप 108 बार कम से कम माँ गौरी के समक्ष बैठकर कीजिएगा। निश्चित तौर पर अगले ही कुछ दिनों में सुयोग्य जीवन साथी प्राप्त होगा, और यदि आपके दाम्पत्य जीवन में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव चल रहा है तो वो भी समाप्त होकर पूर्ण दाम्पत्य सुख आपको प्राप्त होगा। मकर राशि वाले जितने भी अविवाहित कन्याएं हैं, सुहागिन महिलाएं हैं, आज माँ गौरी का अभिषेक आम के रस से कीजिएगा। आज माँ गौरी का अभिषेक आम के रस से, केवड़े के इत्र से कीजिएगा। केवड़े का इत्र मिल जाए तो अति उत्तम है। कमल का पुष्प, काजल, पांच फल आज माँ गौरी के चरणों में अर्पण कीजिएगा। ओम श्रीये नमः, ओम श्रीये नमः, ओम श्रीये नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप माँ गौरी के समक्ष बैठ कर कीजिएगा। अगले ही कुछ महीनों में चमत्कारिक रूप से सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति होगी, और अगर विवाहित जीवन में उतार चढ़ाव है तो पूर्ण दाम्पत्य सुख प्राप्त होगा। बात करते हैं कुंभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, कुंभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, विशेष तौर पर अविवाहित जो कन्याएं हैं, सुहागिन महिलाएं हैं, आज माँ गौरी का अभिषेक आपको सुगंधित तेल से करना है। सुगंधित तेल से गुल की माला, सिंदूर, बिंदिया माँ को अर्पण करनी है। ओम भद्राय नमः, ओम भद्राय नमः, ओम भद्राय नमः, इस मंत्र का जाप आज आपको माँ गौरी के समक्ष बैठकर करना है। निश्चित तौर पे सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति होगी, पूर्ण दाम्पत्य सुख भी प्राप्त होगा। अंतिम जो राशि वह है मीन राशि। मीन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, विशेष तौर पे मीन राशि वाली जो अविवाहित कन्याएं हैं, सुहागिन महिलाएं हैं, आज माँ गौरी का अभिषेक केसर मिश्रित दूध से आपको करना है। केसर वाले दूध से, कच्चे दूध में थोड़ा केसर मिलाकर उससे माँ गौरी का अभिषेक कीजिएगा। पीले पुष्प, पीला चंदन, पीली ओढ़नी माँ गौरी को अर्पण कीजिएगा। ओम गौरी नमः, ओम गौरी नमः, ओम गौरी नमः, इस मंत्र का जाप माँ गौरी के समक्ष बैठकर कीजिएगा 108 बार कम से कम। सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति होगी, पूर्ण दाम्पत्य सुख प्राप्त होगा।